लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। और इस आजादी की लड़ाई में खून बहेगा, हमारा खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। हर कहानी जो शुरू होती है उसका अंत निश्चित है। जैसे आदमी के पैदा होने पर उसका अंत निश्चित है, बस उन कुछ कहानियों को छोड़कर जो अपना अंत खुद ही निगल जाती है। It is a sad day for Japan also, because they've also lost a general in the crash. We'll be back with more information on the crash as soon as we get it. ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिसका अंत 100 कहानियों का आरंभ था। टेलीग्राम। विभावती, गांधी जी कह रहे नेताजी का श्राद्ध मत करना। सुभाष, सुभाष जिंदा है? अगर नेताजी जिंदा है तो फिर बताते क्यों नहीं? कौन जिंदा आदमी अपना मातम मनते हुए देखेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन के दोस्त हेमंत सरकार, उसका एक ही सपना है कि अंग्रेजों और उनकी सरकार को लात मारकर हिंदुस्तान से खदेड़ना, जिससे आप, मैं, हम सब एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। आपको क्या लगता है कि सुभाष पहली बार गायब हुआ? कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन परशुराम जानते नहीं थे कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। हम तुम्हें शाप देते हैं कुरुदेव, युद्ध में तुम अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। भांजे भांजे भांजे, कहो मामा श्री कहो। सुनो, यही समय है पांडवों को खत्म करने का। होगा मामा श्री, जो आप कहें वही होगा। स्कूल से भागकर तुम यात्रा देखने गए थे, सुबह से ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूँ, बताओ क्यों? बाबा, मुझे लगता है मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कल से चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और घर वापस आओगे, और मेरी मर्जी के बिना तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, समझे?
अब जाओ। सुभाष खैनी शोबे है। इसके उम्र के बच्चे मिठाई के पीछे भागते हैं, मेले के पीछे भागते हैं, लेकिन ये क्या संग है? लेकिन सुभाष हम घर से क्यों भागे? क्योंकि अब हम आजाद हैं। लेकिन इस आजादी का करेंगे क्या? जो मन में वो करेंगे। कुछ गलत हो गया तो? गलती करने की आजादी सिर्फ हम इंसानों को मिलती है। ये देखिए इन भेड़ बकरियों को, कभी गलती करती है? नहीं ना। अब तू चुन ले कि तुझे इंसान बनना है या बकरी। इसे अभी नहीं संभालोगे तो बाद में तुम्हें और भी रोना पड़ेगा। तो रो तो अब भी रहे ना। 7 महीने हो गए थे जब सुभाष घर वापस आया अपनी मर्जी से। जब एक 14 साल का लड़का 7 महीने तक अपने माँ बाप से छिप सकता है तो क्या 48 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए छिप नहीं सकता? वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा। कोई लाश नहीं, कोई फोटो नहीं। हम क्यों माने कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में थे? नेताजी ने ब्रिटिश सरकार को चकमा दिया है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो राज पे दावा बोलेंगे और उसकी हस्ती को जड़ से उखाड़ देंगे। August 25, 1945. The world thinks that Bose is dead because Bose wants the world to think that he's dead. He is alive, and we should be worried. He's dead, Stanley. Everyone says he's dead. You can get over this now. There's a rumor that says he faked his own death. What if it's true? We have guests here, and they're waiting for you. What if it's an error in judgment on my part again? You can let go of all this. Bose is dead. Give your obsession a decent burial. I'll be there in 5 minutes. आप हमको जेल में डाल सकते हैं, हमारी आवाज नहीं रोक सकते। सुभाष बाबू जिंदा हैं और वो जरूर वापस आएंगे। No food or water for him today. सुभाष बाबू जिंदाबाद! सुभाष बाबू जिंदाबाद! ये लोग चाहे जितना भी अफवाह फैला लें, पूरा देश जानता है असली कहानी क्या है। नेताजी जिंदा हैं। जो नेताजी ने भारत की आजादी के लिए किया वो भारत का एक एक बच्चा जानता है। नेताजी का निधन भारतवासियों के लिए एक बड़ा सदमा है। नेताजी अमर है। अमर होने के लिए मरना जरूरी होता है। नेताजी जिंदा है। तुमको कैसे पता? जैसे तुमको पता। बेटा भगवान सब चीज जोड़े में बनाता है, आदमी औरत, बीड़ी, माचिस। वैसे तुम्हारे जोड़ का एक और पागल भी है, उसका भी यही कहना है कि नेताजी जिंदा है। अरे हम बता रहे हैं अंग्रेजों की चाल है ये, नेताजी जिंदा हैं और जरूर आएंगे। नेताजी नेताजी नेताजी, पता नहीं कब आएंगे इनके नेताजी। मनहूस आदमी हर बार एक ही बात करता है। इधर भैया। हाँ हाँ। बर्मा में मैं उनके साथ लड़ा था, मैं जानता हूँ कि नेताजी जिंदा है। हाँ तो पर है कहाँ नेताजी? परमा के बाद मिले आप उनसे? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता वो जिंदा है? क्योंकि मेरे पास खबर है कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अरे आप कह रहे हैं क्रैश नहीं हुआ, फिर वो दूसरा कह रहा है कि क्रैश हुआ। कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ क्योंकि उस दिन कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था। अच्छा प्लेन उड़ा ही नहीं था। हाँ। ये चंदू खाना का कब कहाँ से लाए भाई? राम सिंह हाँ दरवाजा खोलिए जरा। कैदियों के साथ हम खुद कई दिनों तक कैद खाने में बोस बाबू के जिंदा या मुर्दा होने की जासूसी करते रहे, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला, या शायद कोई कुछ बताना चाहता ही नहीं था। सरकार हम बता रहे हैं आपको, ये सब आपके मन का फितूर है। Were you really convincing with the prisoners? If they were hiding something, would they have shared it with you? सरकार सब दिल खोलकर बात की हमसे, बाल बच्चा, बीवी, बीवी ने कहाँ कसम का नाम गुदवाया है, सब बताया हमको।
लेकिन बोस बाबू के बारे में किसी को कोई खबर है ही नहीं. आपको काहे लगता है बोस बाबू जिंदा है? Because I know it. 27 साल बीत गए थे और आज भी स्टैनली सुभाष चंद्र बोस से ग्रसित थे. हमको अभी भी 1918 याद है, जब पहली बार बोस बाबू से हमारा सामना हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज में. What is that? Are you cheating? No, sir. इस पे तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है. Oh, yes. We try and we try and we try to rid you of your superstitions. And we fail every single time. Sir, please don't do that. You are a beastly people with a beastly religion. And I shall have none of this pagan nonsense in my classroom. If any of you is carrying a totem which you mistakenly believe will call upon some deity in the sky to swoop down and assist you in passing my examination, I assure you it will not. Take said totem and place it in this box. Now! Hurry up! Please understand, there is no real power attached to any of these objects except that which you yourself give it. Sir. Yes. I find your idea quite liberating. Yes. So if I don't attach any power to your position as professor or teacher, then I'm free to do something which I wanted to do since the day I joined your class? What is that? সুভাষকে বোঝা শক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত, স্বাধীনতা মানে রক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত. हत्यारों को ना कोई पर्याय, चर्चाओं से ना कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए. बोस डटे मन के स्वराज लड़े, उनके खिलाफ ताली गोरों के आंखों में बोस की सड़कों पर मास मिले हमें, इंसान भारत संघर्ष पर लिखेगी बोस. ऐसे में इंसान का पकड़ना आसान कार्य, कारण में सबसे में बोस. सवाल बस बना है बोस. আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রু চোখে চোখ রাখ রাখ, র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বকবগারো, সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি, স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি. বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত, সদচ্ছ সময়ে বিপ্লবের দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত. डटे बन के स्वराज लड़े, झुमके खिलाफ ताली गोरों के आंखों में आंस. This is a very dangerous precedent. We need to have Subhash arrested. If we don't take strong action now, we could have a student rebellion on our hands. एक मिनट, क्या गलत किया मैंने? अंग्रेजी बापू पे हाथ उठाए हैं आप. हाँ तो बहुत पाप लगेगा क्या? अभी खड़ा करेंगे आपको प्रोफेसर साहब के सामने. एक मिनट में ये जो सत्य में जाते हैं ना सब हो जाए. पॉटर के लिए तो हम सब बराबर हैं, गुलाम वो नहीं पहचान पाएगा. चलिए. प्रोफेसर ऑटन की इज्जत के साथ एक और चीज बुरी तरह से चकनाचूर हुई, ये भ्रम के हिंदुस्तानी एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा आगे करेंगे. इस बार गाल अंग्रेजी था और थप्पड़ हिंदुस्तानी. ठीक है, रखिए अंदर. But Stanley, you have to charge him. Yes, but for that, Professor Otten needs to press charges. Professor? I wouldn't like to file a complaint. I don't want people to talk about it. You understand? Look up! Utaro ise! मैं कह रहा हूँ उतारो इसे. काकू आपको वहां होना चाहिए था, हम सबकी बेइज्जती का अच्छा बदला लिया सुभाष ने. इसकी हरकत की वजह से इसे रश टिकट किया गया है. बाबा इतिहास गवाह की आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है. सुभाष को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, पर उस दिन स्टैनली ने कुछ तो झलक देखी थी जिससे वो घबरा गया था.
Who are you? What are you doing in my house? I don't understand. These are my personal letters. You can't just come to my house. When did he send those letters? Are there any more letters from him? ये सिंगापुर बर्मा से लिखे हुए लेटर्स हैं और भी हैं बस यही हैं How did you enter my house? You are not Are there any more letters from him? If Bose communicated with anyone, it would be his wife. आपको पता है बोस कहाँ है? Did you speak with Bose after the 21st of August? What? How dare you asking me that? Bose passed away on 19th August in a plane crash. Are you saying that he is alive? बस यही चिट्ठियाँ हैं या और भी हैं? You. Aren't you ashamed to betray your own country? Tell me, what do you know? Is he alive? Is he coming back? Tell me, what do you know? Please. What's wrong, Emilie? Mother, stay there. Either you tell me what you know or you leave now. Get out of here! According to the Japanese government, there is no mention of Subhas Chandra Bose in the list of those who died in the plane crash. Hello? Hello. This is Emilie. Emilie. Listen, Subhas is safe. This is not the first time he's just disappeared like this. In German papers, there is no name on the passengers list. So he is definitely alive. You need to know that. He spoke of certain people in India who wanted to hurt him. Yes. I know. I will call you back, Emilie. Take care. I think we have a lead. It's been 3 months, Emilie. You really trust him to come back? He's done that before. So why not do it again? They hated you for marrying him. You know you're not safe here, Emilie. You're delusional. He's not coming back. Sorry for the interruption. Stand by for an important broadcast. INA leader Subhas Chandra Bose wants to read out a message for you. আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রু চোখে চোখ রাখ রাখ রেঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বকবগারো সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই বিপ্লব আনে রক্ত সদচ্ছ সময়ে বিপসয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত डटे बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोस्त रहस्य में इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस कौन लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस डटे बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोस्त